सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस लिंक को दबाइए, इससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं और आप मेरे ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। तो इस ग्रुप पे मैं आपको बताऊंगा जब भी मार्केट ओपन होगा, मार्केट आवर्स के अंदर मैं आपको कॉल्स प्रोवाइड कराऊंगा जिस पे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो ये मेरे व्यूअर्स के लिए है। तो अभी आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं करा है तो अभी जाकर डाउनलोड करिए और इस लिंक को दबा के मेरे चैनल पर तुरंत ऐड हो जाइए। अभी कुल 1000 पीपल्स ऐड हो चुके हैं और भी ऐड हो जाएंगे तो आपको शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। हे गाइस, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे और मैं हूँ आपका दोस्त शिवांश भसीन। तो आज हम बात करेंगे कि 4 मई को निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या एनालिसिस करनी है, हमें कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं हम फ्राइडे के मार्केट पे और क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। अब वीकली एक्सपायरी 10 मई को है तो हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, क्या रेंज में रह सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी, सारी आज हम चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि जो मैंने आपको 5 स्टॉक्स बताए थे, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आप एक स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रहा हूँ और वो स्ट्रैटेजी जो विलियम आर परसेंट थी और सुपर ट्रेंड थी, तो वो वर्क हमें बिल्कुल भी नहीं करते हुए देखिए। 90% उसके जो रिजल्ट थे वो फेल होते हुए दिखे थे और जो आपके सामने रिजल्ट आ ही गया होगा। तो मैंने आपको वेदांता को सेल करने की सलाह दी थी, तो वेदांता ने हमने देखा जो हमें पहला टारगेट अचीव हो गया था और उसके बाद हमने एक शार्प रिकवरी देखी और वो रिकवरी बहुत अच्छी थी और अपने उसने एक इंटरेस्टिंग लेवल को जाके क्रॉस करा है कि हम कह सकते हैं और ऊपर के लेवल्स भी बन सकते हैं। तो कल कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूं और मैं आपको अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी से ही बता रहा हूं, आप चिंता मत करिए। ये स्ट्रैटेजी मैंने हटा दी है, ये स्ट्रैटेजी पे वर्क नहीं कर रहा हूं। जिस पुरानी स्ट्रैटेजी से मैं आपको शेयर्स बताता था और आप इनकम करते थे वही स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो मणप्पुरम फाइनेंस, सन फार्मा, वेदांता, एलएनटी, इन्फोटेक, जीएसडब्ल्यू एनर्जी। मणप्पुरम फाइनेंस बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको। इसमें 124 का एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस था जो इसने क्रॉस करा था और अब इसके बाद 129 जो इसने एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस इसका बना हुआ था उसे क्रॉस नहीं कर पाया। हमने देखा जो इसने हाई बनाया था 128.75 का बनाया था और उसके बाद जाके हमने इसमें 127.75 की क्लोजिंग आते हुए देखी है। तो मैं कह सकता हूँ अगर ये 128.75 के ऊपर क्लोजिंग ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करता है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 134.55 के टारगेट के साथ। तो मैं आपको कहूँगा 1 या 1.5 रुपया ऊपर जब जाता है ये स्टॉक तब आपको इसमें बाइंग पोजिशन बनानी है विद स्टॉप लॉस ऑफ 124.75। सन फार्मा बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको इसमें 540-548 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 528 का लगा के चलना पड़ेगा। 540 एक इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, अगर इस 540 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप इसे बाय कर सकते हैं और अगर आप रिस्की ट्रेडर नहीं हैं, अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप इसको 540 के ऊपर बाय करिए, वरना अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप इसे अभी बाय कर सकते हैं जब मार्केट ओपन होएगी 540 या हमारे करंट मार्केट प्राइस के आसपास विद स्टॉप लॉस ऑफ 528। वेदांता हमने देखा था एक शार्प रिकवरी आते हुए देखी थी और ऊपर के लेवल्स भी ये बना सकता है तो 290-294 के टारगेट के साथ स्टॉप लॉस आपको 283 का लगा के चलना होगा। एलएनटी इन्फोटेक बाय करने की सलाह दी जाएगी इसमें 173.60-177 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 168 का लगा के चलना है। जीएसडब्ल्यू एनर्जी सेल करने की सलाह दी जाएगी 80.90-78 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 83.45 का लगा के चलना होगा। एक बात मैं आपको अभी बताना चाहूंगा क्योंकि हम देख सकते हैं मैं आपके लिए जो ये वीडियो बना रहा हूँ उसमें जो डाउ जोन्स है वो 1.5% नीचे गिर चुका है क्योंकि जो यूएस और चाइना का जो ट्रेड वॉर का टेंशन थी वो वापस हल्के हल्के आ रही है और जो यूएस डॉलर है वो डिप्रिशिएट हो रहा है तो उसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो रही है और हमारी जो करेंसी है वो अच्छी होती जा रही है, अप्रिशिएट हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि वो यूएस के लिए अच्छी बात नहीं है, हमारी मार्केट के लिए तो अच्छी बात है पर हम देख पा रहे हैं कि जो यूएस का मार्केट है वो 1.5% नीचे गिर चुका है तो शायद हमारी मार्केट में भी कल एक गैप डाउन ओपनिंग वापस आते हुए दिख जाए तो उसकी वजह से हमारे जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है वहां पर शायद खरीदारी कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको एक स्ट्रांग सपोर्ट बताऊं वहां पर आपको खरीदारी करनी होगी 10,550, 10,600 के आसपास अगर आपको मिलता है निफ्टी तो आप वहां से बाय करके चल सकते हैं क्योंकि मैं आपको कह नहीं सकता कि निफ्टी वीक हो गया है पर निफ्टी अभी भी स्ट्रांग
है, चार्ट्स में भी स्ट्रांग लग रहा है। अगर हम ऑप्शन डाटा की बात करें तो वहां पर भी निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रांग है और ऊपर के लेवल्स भी हम इसमें बनते हुए देख सकते हैं। तो मैं आपको भी कह रहा हूं कि आपको इसमें शॉर्ट करना है तो आप कर सकते हैं, रिस्की ट्रेडर हैं तो, वरना आपको अगर लोअर लेवल्स में मिलता है तो आप वहां से अपनी बैंक पोजीशन वापस इसमें बना सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं कि 25,400 से इसने एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस को क्रॉस करके इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये शायद 25,400 के लेवल को क्रॉस करेगा या तोड़ेगा। तो 25,400, 25,450 के आसपास अगर आपको मिलता है कल मार्केट में तो आप वहां से बाय कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 25,750। और अगर उसके पास हल्के हल्के जाते हैं तो आप शॉर्ट पोजीशंस भी बना सकते हैं, यानी कि आप दोनों साइड में ही ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अभी मेरे टेलीग्राम चैनल पे 900 पीपल्स ऐड हो चुके हैं, और मैं आपको बताऊं तो मैं आपको कॉल्स प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। मैं अभी एक स्ट्रैटेजी पे लगा हुआ हूँ जिसके लिए मैं आपको अगर शॉर्ट में अभी इस वीडियो के अंदर बताऊं तो मैं आपके लिए एक ऐप लेकर आ रहा हूँ। ऐप का नाम मैं अभी सोचा नहीं है, शायद अपने चैनल के हिसाब से ऐप का नाम रखूंगा। उस ऐप के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल सेम होगा मनी कंट्रोल जैसा, ऐप के जैसा मनी कंट्रोल का ऐप है। उसके अंदर ही आपको लेटेस्ट न्यूज मिलेंगी स्टॉक्स के ऊपर, क्या एक मार्केट की इकोनॉमी के ऊपर आपको न्यूज मिलेगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर आपको न्यूज मिलेगी, क्या ग्लोबल सेंटीमेंट्स हैं उसके ऊपर न्यूज मिलेगी, कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं, इंडाइसेस वो आप वहां पर आपको शो करा जाएगा। और उसके अंदर एक सेक्शन होगा, उस सेक्शन के अंदर आप जब जाएंगे और वहां पर लॉग इन करेंगे अपने आप को, तो लॉग इन करने के लिए आपको वहां पर वो पेमेंट पूछेगा, आपको पेमेंट करनी होगी। तो वो पेमेंट वही है जो मैं आपसे पेमेंट सर्विस शुरू करने वाला हूँ 12th मई के अंदर अंदर ही। तो उस पेमेंट में आपको करना ये होगा कि आप सब जानते ही हैं कि मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन रहती है, तो मंडे टू फ्राइडे आपको वीकली बेसिस में आपको वो पेमेंट करनी होगी। वीकली बेसिस के अंदर हम मान सकते हैं लेस देन 200 अमाउंट होगा जो आपको पे करना होगा एक हफ्ते के अंदर। तो जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपने आज लॉग इन करा, आज मंडे को आपने लॉग इन करते हैं, तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपको जो पेमेंट करनी है वो 200 रुपीज़ करनी होगी। टोटल पूरी वीक के अंदर जो आपकी पेमेंट होगी सिर्फ 200 रुपीज़ होगी। उसके अंदर मैं आपको मंडे टू फ्राइडे कॉल्स प्रोवाइड कराऊंगा इंट्राडे के अंदर ही, उस ऐप के अंदर ही आपको वो कॉल्स प्रोवाइड हो जाया करेंगी, वरना आपके व्हाट्सएप या टेलीग्राम के चैनल के थ्रू आपको वो कॉल्स प्रोवाइड हो जाएंगी। आप उसमें बाय करके शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपको जैसे नेक्स्ट मंथ आपको नेक्स्ट वीक आपको जैसे आज ट्रेडिंग नहीं करनी है, तो नेक्स्ट वीक आप उसको लॉग इन करके वापस आप पेमेंट नहीं करना चाहते तो आप नहीं कर सकते। तो उसको बेनिफिट आपको यही होगा कि जिस टाइम आपको ट्रेड करना है मार्केट पे उस टाइम की आपको पेमेंट देनी होगी। अगर आपको नेक्स्ट वीक पेमेंट नहीं देनी तो आप नेक्स्ट टाइम ट्रेड नहीं कर सकते। तो वो पूरी जानकारी मैं एक वीडियो में लेकर आऊंगा जब वो ऐप बन जाएगा, डिजाइन हो जाएगा, तो उसी स्ट्रैटेजी के अंदर मैं वर्क कर रहा हूँ, तो उसी के थ्रू मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे कॉल्स नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ 1-2 दिन के अंदर अंदर। तो जैसी वो एक तैयार हो जाएगा प्रोसीजर तो मैं आपको प्रोवाइड कराना शुरू कर दूंगा, और अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको शायद मार्केट आवर्स के अंदर ही प्रोवाइड कराना शुरू कर दूं और शायद कल ही प्रोवाइड करा दूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आपको उस चैनल के अंदर ऐड होना है या आपको वो पेमेंट सर्विस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मैं वीकली पेमेंट सर्विस के लिए तैयार हूँ, और आप खुद बता सकते हैं कि आप वीकली कितना पेमेंट दे सकते हैं, उसके हिसाब से ही मैं एडजस्ट करके आपको बता दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके मुझे बताइए, या आप मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे भी मुझे बता सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जो भी नए व्यूअर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, और बेल आइकन को दबाइए जिससे आप लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस हर दिन पा पाएंगे। तो मैं शिवांग भसीन साइनिंग ऑफ, मिलता हूँ आपसे कल नई वीडियो के साथ।